हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। ये तो आप सब जानते ही हैं कि 29 जून को सिनेमाघर में कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी की मूवी सत्या प्रेम की कथा मूवी सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज हुए 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज हुए 19वां दिन चल रहा है, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स कलेक्शन कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स कलेक्शन कर सकती है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आज किस वीडियो में हम बात करेंगे सत्या प्रेम की कथा मूवी ने पहले 18 दिन में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली और ये मूवी अपने 19वें दिन कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है और इस मूवी का बजट क्या था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिट साबित हुई फ्लॉप। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। सत्या प्रेम की कथा मूवी में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी लीड रोल में देखने को मिले थे। अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 9,40,00,000 की नेट कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने अपने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड 12,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 16 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने पहले 16 दिनों में इंडिया से 73,60,00,000 की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड 107,30,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के 18वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने 18वें दिन 2,30,00,000 की नेट कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 18 दिनों में इंडिया से 70,26,00,000 की यूनिट कलेक्शन कर ली है। अगर बात करें इस मूवी के पहले 18 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सत्या प्रेम की कथा मूवी ने पहले 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड 113,95,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। अगर बात करें इस मूवी के 19वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये मूवी आज अपने 19वें दिन 1 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। इस तरह ये मूवी पहले 19 दिनों में इंडिया से 78,26,00,000 की नेट कलेक्शन कर रही है। इस मूवी का बजट था 60 करोड़। इस मूवी ने पहले 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड 113,95,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी की जोड़ी में एक पहले भी मूवी आई थी भूल भुलैया 2, जिस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसकी वजह से वो मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।